Good morning everyone. In last video we read about classes, types of classification, chapter 3. Now in this video we will discuss about what are the features of algae. So let's start. First, features algae: autotrophic. Autotrophs means they can synthesize their own food. And chlorophyll containing means in the presence of sunlight, these algae prepare their own food. General features: first, habitat. Habitat, they are found in both freshwater, marine habitats. Some algae are also found in moist habitat like wet, rocks, soil, tree. And lichen, yes, in chapter 2, we already discussed. इन दैट टाइम लाइकेंस मीन्स सिम्बायोसिस. सिम्बायोसिस यानी कि अगर कोई दो ऑर्गेनिज्म हैं और दोनों के बीच में आपस में क्या हो रहा है, बेनिफिट है. ठीक है, एक ऐसा एसोसिएशन जिसमें दो ऑर्गेनिज्म इन्वॉल्व हो रहे हैं और दोनों ही एक दूसरे को क्या दे रहे हैं, बेनिफिट दे रहे हैं. वहाँ पर पढ़ा था हमने लाइकेंस. लाइकेंस में क्या होता था, एल्गी प्लस फंजाई. ठीक है, अब फंगस क्या हो रहा है वहाँ पर, सेल्टर. ठीक है, एंड न्यूट्रिएंट्स वो प्रोवाइड कर रहे हैं हाई एफिशिएंसी में. और एल्गी क्या कर रहे हैं, फूड, क्योंकि वो फूड बना सकते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल. तो जिसकी वजह से दोनों एक दूसरे पे क्या हो गया, डिपेंडेंट. तो लाइकेंस में भी ये एल्गी प्रेजेंट होते हैं. ठीक है, तो यहाँ पे ये हो जाएगा सिम्बायोसिस. नेक्स्ट आता है थैलस ऑर्गेनाइजेशन. द प्लांट बॉडी इनकी कैसी होती है, थैलॉयड. थैलॉयड मीन्स सब्सट्रेट से लगे हुए होता है इनका स्ट्रक्चर. इनमें कोई ट्रू रूट नहीं होगी, लीफ नहीं होगी, स्टेम नहीं होगा, ऐसा कोई स्ट्रक्चर इनमें नहीं होता. और इनका साइज जो होता है वो वेरिएबल है. वेरिएबल का मीन्स इनका साइज स्मॉल से लेकर के 100 मीटर तक हो सकता है. अब यूनिसेल्युलर, जैसे अभी हमने पढ़ा था कि फंगस जो होते हैं वो सारे के सारे मल्टी सेलुलर होते हैं, बट एक्सेप्ट वन, और वो कौन सा था, यीस्ट. ठीक है, और वही चीज यहाँ पे भी ध्यान देनी है कि ऐसा नहीं है कि एल्गी है तो सारे के सारे मल्टी सेलुलर ही होंगे. कुछ एल्गी जो होते हैं वो कैसे होते हैं, यूनिसेल्युलर. फॉर एग्जाम्पल क्लेमाइडोमोनास, इसका फिगर अभी हम आगे डिस्कस करेंगे. तो ये कैसा होता है, यूनिसेल्युलर. ठीक है, इसके बाद फिलामेंटस, जिनका स्ट्रक्चर फिलामेंट की लाइक होता है, लाइक स्पाइरोगैरा. देख सकते हैं आप, क्लास 10th में भी आपने पढ़ा है. तो स्पाइरोगैरा आ जाएगा, यूलोथ्रिक्स आ जाएगा, इनका स्ट्रक्चर फिलामेंटस होता है. कॉलोनियल का मीन्स ये कई सारे एक साथ रहते हैं कॉलोनी बना के, इनका राउंड स्ट्रक्चर होगा. उसमें आता है एग्जाम्पल वॉलवॉक्स का. और कुछ क्या होते हैं, बहुत ही मैसिव, यानी कि इनका साइज जो होगा वो 100 मीटर तक हो सकता है. उसमें एग्जाम्पल आएगा कैल्प का. ठीक है, तो यही दिया गया है कि इनका जो साइज और शेप होता है वो वेरिएबल होता है. नेक्स्ट टॉपिक है स्ट्रक्चर ऑफ एल्गल सेल. अब एल्गल सेल यानी कि भी हम किसके अंदर पढ़ रहे हैं, प्लांट किंगडम. और प्लांट किंगडम यूकैरियोट होते हैं कि प्रोकैरियोट होते हैं, वो पहले ही आप पढ़ चुके हैं वीटेक क्लासिफिकेशन में. तो इसकी जो सेल होगी वो कैसी होगी, यूकैरियोटिक. एंड क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होगा, माइटोकॉन्ड्रिया, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गॉल्जी बॉडीज, सेल वॉल, इनकी सेलुलोज की बनी होती है. तो ये सारे फीचर्स इनमें कॉमनली होंगे. नेक्स्ट आता है फूड मटेरियल, इनमें किस फॉर्म में स्टोर होगा, तो वो अभी हम आगे पढ़ेंगे. मेन जो फूड मटेरियल इनमें स्टोर होता है वो किस फॉर्म में होता है, स्टार्च. और स्टार्च क्या है, ये 11th में ही चैप्टर 9 आएगा आपका बायोमोलिक्यूल्स. वहाँ पे डीप में पढ़ेंगे हम कि कार्बोहाइड्रेट्स 3 टाइप के होते हैं, मोनोसैकेराइड्स, डाइसैकेराइड्स, पॉलीसैकेराइड्स. तो वहाँ पे आप पढ़ेंगे स्टार्च जो होता है वो. ठीक है, वहाँ पे एग्जांपल आएगा, एक कार्बोहाइड्रेट है ये. नेक्स्ट रिप्रोडक्शन, फंगस में एल्गी में रिप्रोडक्शन किसके थ्रू होता है. तो फर्स्ट आता है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन. अब वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन क्लास 10th हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस, तब आपने वहाँ पे पढ़ा होगा. फर्स्ट फ्रेगमेंटेशन. फ्रेगमेंटेशन में क्या होता था, एक पेरेंट बॉडी है वो ब्रेक हो गई, और जब ब्रेक हो जाती थी तो कितने दो फ्रेगमेंट बन गए, और ये फ्रेगमेंट मैच्योर हो जाके, जब मैच्योर हो जाएंगे तो इस तरह से यहाँ से एक से ये दो फॉर्म हो जाएंगे. ठीक है, यानी एक पेरेंट बॉडी थी, ये मैच्योर हो गई, मैच्योर होने के बाद ये ब्रेक हो जाएगा. ठीक है, तो इस तरह से एक स्पाइरोगैरा से कितने स्पाइरोगैरा बन गए, 2, और बाय द प्रोसेस ऑफ फ्रेगमेंटेशन. नेक्स्ट आता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन. तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन यहाँ पे पढ़ेंगे किसके थ्रू होता है, जू स्पोर्स, एप्लेनोस्पोर्स. ठीक है, जू स्पोर्स मीन्स जो मोटाइल होते हैं, और एप्लेनोस्पोर्स मीन्स नॉन मोटाइल होते हैं. तो जनरली हम बोल सकते हैं
characterized by zoospores or aplanospores. Zoospores are flagellated, they can move, and aplanospores are non-motile gametes, non-motile spores. ठीक है. नेक्स्ट आता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. सेक्सुअल वर्ड जहां पे भी आ जाए दैट मीन्स फ्यूजन ऑफ गैमेट्स, मेल गैमेट, फीमेल गैमेट. ओके, तो ये कितने टाइप का होता है? थ्री टाइप्स का, आइसोगैमस, एनाइसोगैमस एंड ओगैमस. फर्स्ट आता है आइसो. आइसो मीन्स क्या होता है? सेम, केमिस्ट्री में भी आता है ना आइसोमर. तो आइसो मीन्स सेम, गैमस मीन्स गैमेट, यानी जब दोनों ही सेम हो, मेल और फीमेल दोनों में कोई डिफरेंस ना हो तो उनको क्या बोलेंगे हम? आइसोगैमस. ठीक है, एक फिगर दिया गया है, इसको आप देख सकते हैं अच्छे से, मेल भी सेम है, फीमेल भी सेम है. नेक्स्ट आता है एनाइसोगैमस. एनाइसोगैमस में क्या होता है? मेल का साइज जो होगा वो स्मॉल होगा, जबकि फीमेल का साइज जो होगा वो क्या होता है? इन कंपैरिजन टू मेल, लार्जर. ठीक है, तो फीमेल वाले को मैक्रोगैमेट भी बोल सकते हैं, मेल वाले को माइक्रोगैमेट भी बोल सकते हैं. थर्ड आता है ओगैमस. ओगैमस में क्या होगा? स्ट्रक्चर कंप्लीटली डिफरेंट होता है. जैसे मेल का स्ट्रक्चर ये है और फीमेल का स्ट्रक्चर आप देख सकते हैं एकदम ही अलग है. तो जब दोनों डिफर इन स्ट्रक्चर होते हैं उसको क्या बोलेंगे? ओगैमस. मेल स्मॉल होगा, फ्लैजलेटेड होगा, मूव कर सकेगा, जबकि फीमेल का साइज लार्ज होगा और नॉन फ्लैजलेटेड होगा, यानी कि नॉन मोटाइल होगा. और फीमेल को हम ओगोनियम भी बोल सकते हैं. तो ये यहाँ पे अच्छे से देख लीजिएगा, आइसोगैमस, एनाइसोगैमस एंड ओगैमस, और तीनों के स्ट्रक्चर भी बने हैं, तो इससे आप अच्छे से तीनों में डिफरेंस देख सकते हैं. और यहाँ पे एग्जांपल हमने क्लेमाइडोमोनास का लिया है. नेक्स्ट टॉपिक आता है कि इम्पोर्टेंस क्या है एल्गी का, एल्गी का पूरा उसमें. तो हम देख सकते हैं एल्गी आर रिस्पॉन्सिबल फॉर कैरिंग आउट अबाउट अ हाफ ऑफ द टोटल CO2 फिक्सेशन ऑन अर्थ बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस. मींस मतलब फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस हो रही है, पढ़ा है आपने, लीव्स में होती है, एल्गी में भी होती है क्योंकि इनमें भी क्लोरोफिल है. तो हाफ CO2 फिक्सेशन जो होता है अर्थ पे वो किसके थ्रू होता है? एल्गी के थ्रू होता है. और ये फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन क्या होती है आप ऑलरेडी क्लास 10th में पढ़ चुके हो. 6CO2 + 12H2O गिवन C6H12O6 + 6H2O + 6O2. ठीक है, O2 मीन्स यहाँ पे कौन सी गैस फॉर्म हो रही है? ऑक्सीजन. ठीक है, तो यहाँ पे आप लिख सकते हो कि डिजॉल्व ऑक्सीजन का लेवल भी यहाँ पे क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा. कुछ जो एल्गी होते हैं वो फूड के फॉर्म में भी लिए जाते हैं, जैसे कि फूड लिखा है अभी हमने यहाँ पे, प्रोटीन सप्लीमेंट्स. जैसे जो स्पेस ट्रेवलर्स होते हैं जो कभी रिसर्च करने जा रहे हैं स्पेस पे, तो वो अपने साथ यही क्लोरेला हो गया, स्पारोलिना हो गया, ये एल्गी लेके जाते हैं, जिससे कि वहां पे उनको जो फूड सप्लीमेंट रिक्वायरमेंट है फूड की वो इनसे पूरी कर सके, क्योंकि वहां पे वो अपना फूड प्रिपेयर नहीं कर सकते. ठीक है, इसके बाद आप यहाँ पे ये भी देख सकते हैं कुछ और स्पीसीज हैं एल्गी की, पोरफायरा, लैमिनेरिया, सार्गेसम, ये सब भी खाई जाती हैं, एज अ फूड यूज की जाती हैं. इसके अलावा एक पढ़ा था आपने क्लास 10th में जब टिश्यू कल्चर पढ़ा था, तो वहां पे एक वर्ड आता है अगर मीडिया, अगर. ठीक है, तो अगर का यूज क्या करा जाता था टिश्यू कल्चर में, हम सबसे पहले सॉलिडिफाई करने के लिए, तो इसको यहाँ पे पढ़ लीजिएगा. एगार का यूज आइसक्रीम, जेली, सॉलिडिफाई करने में, इन सब चीजों में इसका यूज आ जाएगा. ठीक है, तो ये हो गया, यूजेस पढ़ लिया, अभी हमने जनरल फीचर्स पढ़ लिए, रिप्रोडक्शन का मेथड पढ़ लिया, इम्पोर्टेंस ऑफ एल्गी पढ़ लिया. अब हमें पढ़ना है कि जो क्लासिफिकेशन एल्गी का किया गया, ठीक है, कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया उनको? 3 में. आप देख सकते हैं क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी एंड रोडोफाइसी. ठीक है, एल्गी को कितने पार्ट में डिवाइड किया गया? 3 पार्ट्स में, क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी एंड रोडोफाइसी. ठीक है, तो अब यहाँ पे हमें पढ़ना है जनरल फीचर्स तीनों के क्या हैं. तो आप बता सकते हैं जब भी क्लोरोफाइसी पूछा जाए, यानी ग्रीन इन कलर, फियोफाइसी ब्राउन इन कलर एंड रोडोफाइसी रेड इन कलर. अब ये ग्रीन है, ये ब्राउन है, ये रेड है, ये ऑटोमेटिक तो हो नहीं जाएंगे, किसकी वजह से होंगे? इनमें जो पिगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं. तो ग्रीन एल्गी में कौन सा पिगमेंट प्रेजेंट होता है? क्लोरोफिल ए एंड बी. ठीक है, फियोफाइसी में क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल सी, जेंथोफिल एंड फ्यूकोजेंथिन. आगे पढ़ेंगे रोडोफाइसी, क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल डी, फाइको एरेथ्रिन. नेक्स्ट आता है सेलुलर. अब ये ग्रीन एल्गी जितने भी होते हैं आप पढ़ेंगे यूनिसेलुलर, फियोफाइसी मल्टी सेलुलर एंड रोडोफाइसी मल्टी सेलुलर. अब इनमें जो फूड मटेरियल स्टोर्ड होता है वो किस फॉर्म में होता है? तो पढ़ेंगे क्लोरोफाइसी में स्टार्च बिसाइड द प्रोटीन दोनों प्रेजेंट होते हैं, और फियोफाइसी में जो फूड स्टोर्ड होता है वो किसके फॉर्म में होता है? लैमिनेरिन या मैरिटोल के फॉर्म में. ये भी एक कार्बोहाइड्रेट है, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट.
और रोडोफाइसी में किसके फॉर्म में होता है? फ्लोरिडियन स्टार्च। और इसका स्ट्रक्चर आप देखोगे तो ग्लाइकोजन, जैसे एनिमल में स्टोर होता है ग्लाइकोजन के फॉर्म में, तो उससे सिमिलर होता है इसका फ्लोरिडियन स्टार्च। सेल वॉल की बात आती है तो सेल वॉल जो ग्रीन एल्गी होते हैं उनमें किसकी बनी होती है? इनर लेयर होती है सेलुलोज की और आउटर लेयर होती है पैक्टोज की, ठीक है। इसके बाद फियोफाइसी की अगर देखें तो फियोफाइसी में आप पढ़ोगे कि आउटसाइड क्या होती है? एक जिलेटिन की कोटिंग होती है। जिलेटिन की कोटिंग का मतलब जनरली आप एल्गी के ऊपर पैर रखो तो स्लिपरी होता है ना, पैर स्लिप होने लगता है, तो किसकी वजह से होता है? एल्गिन की वजह से, ठीक है। तो जिलेटिन की कोटिंग होती है उसको एल्गिन बोलते हैं, यानी सेलुलोज प्लस एल्गिन की बनी होती है। ये एल्गिन की कोटिंग जो होती है वो आउटसाइड होती है। इसके बाद आप पढ़ोगे रोडोफाइसी में सेलुलोज की बनी होती है और प्लस पैक्टिन की बनी होती है, तो यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। इसके बाद पढ़ते हैं रिप्रोडक्शन। तो फर्स्ट आता है वेजिटेटिव, इज द सेम मेथड, फ्रेगमेंटेशन इन क्लोरोफाइसी, बाई फ्रेगमेंटेशन इन फियोफाइसी एंड बाई फ्रेगमेंटेशन आल्सो रोडोफाइसी। नेक्स्ट आता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन क्लोरोफाइसी बाई फ्लैजिलेटेड जू स्पोर्ट्स एंड फियोफाइसी बाई फ्लैजिलेटेड जू स्पोर्ट्स एंड रोडोफाइसी, दैट इज द डिफरेंस, नॉन मोटाइल स्पोर्ट्स। ओके, नॉन मोटाइल स्पोर्ट्स मीन्स एप्लेनोस्पोर्स। थर्ड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्लोरोफाइसी, तीनों टाइप का भी हमने डिस्कस किया, तो इसमें तीनों टाइप का होता है, आइसोगैमस भी हो सकते हैं, अनआइसोगैमस भी हो सकते हैं एंड ऊगैमस भी हो सकते हैं। फियोफाइसी में जब देखेंगे तो आइसोगैमस एंड आइसोगैमस एंड ऊगैमस सेम एज क्लोरोफाइसी, ठीक है। बट यहाँ पे डिफरेंस किस में पढ़ना है आपको? रोडोफाइसी। रोडोफाइसी में जब आप देखोगे तो ओनली किस टाइप का होता है? ऊगैमस। ये यहाँ पे भी हमने देखा था जिसमें स्ट्रक्चर डिफर होता है, यानी कि केवल इसमें ऊगैमस टाइप का होगा, आइसोगैमस एंड एनआइसोगैमस नहीं होता है। एग्जाम्पल्स देखते हैं लास्ट में। यहाँ पे क्लेमाइडोमोनास, वोल्वॉक्स, यूरोथ्रिक्स, स्पायरोगैरा एंड कैरा, ये किसके अंदर आते हैं? क्लोरोफाइसी। ऑक्टोकार्पस, लैमिनेरिया, सार्गेसम किसके अंदर आते हैं? फियोफाइसी। एंड ग्रेसिलेरिया, पैलमेरिया, सीवीड, ये सब किसके अंदर आते हैं? रोडोफाइसी, ठीक है। तो यहाँ पे आप इतना पूरा अच्छे से रिवाइज करिएगा, और इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हमने ब्रायोफाइट्स के फीचर्स क्या होते हैं और उसकी लाइफ साइकिल क्या होती है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।